नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे क्रैश बेरी का बीबीएस कैसे बनाते हैं विथ ड्राइंग बीबीएस एंड ऑटो कैड के साथ। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं ये क्रैश बेरी का डाइमेंशंस दिया हुआ है। ये है डेक स्लैब, डेक स्लैब के ऊपर ये क्रैश बेरियर है। क्रैश बेरियर का जो हाइट है बीसी टॉप से, यानी कि वियरिंग जो कोट है वहाँ से, और इसके जो फाइनल हाइट है 1.1 मीटर, 1100 mm का है। उसके बाद ये 100 mm का दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये 250 है, और यहाँ से ये 750 है। उसके बाद ये बॉटम का जो क्रैश बेरियर का विथ है आप देख सकते हैं 450 है, टॉप में 175 है, और 50 mm 50 mm दोनों साइड से ये स्लोप है क्रैश बेरियर का, और यहाँ पे 175 स्लोप है यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच के डिस्टेंस में। तो ये हो गया पूरा दोस्तों डाइमेंशनल डिटेल ड्राइंग। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रिइंफोर्समेंट ड्राइंग क्रैश बैरियर का। ये जो क्रैश बैरियर का रिइंफोर्समेंट ड्राइंग है, डेक स्लैब का जहाँ तक स्टील आएगा, बॉटम स्टील, वहाँ तक ये क्रैश बैरियर का स्टील प्लेसिंग होगा। उसका जो एल है क्रैश बैरियर का, उसके साथ ये प्लेसिंग होगा, जिसमें ये आउटर स्टील है और ये इनर स्टील है। इनर स्टील 16 का डाया है, 150 सेंटीमीटर स्पेसिंग है, जबकि आउटर का स्टील की बात करेंगे तो 16 का डाया है, 150 सेंटीमीटर स्पेसिंग है इसका। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है 16 नंबर है और 10 mm का डाया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ एक साइड है और दूसरे साइड भी 8 है, तो ये 16 नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसमें ये प्लेसिंग होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ कहाँ प्लेसिंग होना है ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इस जॉइंट पे एक होगा, टॉप में आप देख सकते हैं ये इस तरह से प्लेसिंग होगा। तो ये हो गया पूरा इसका रिइंफोर्समेंट शेड्यूल और इसका ड्राइंग। अब मैं आपको ये कैसे बनेगा, कितने मीटर का लेंथ में बनेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सेल शीट में। उसके बाद से मैं आपको ऑटो कैड में दिखाऊँगा। ये है दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि क्रैश बैरियर का बनाया गया है। सीरियल नंबर, पोजीशन, बार मार्क, डिस्क्रिप्शन, शेप, डाया ऑफ बार इन mm, स्पेसिंग इन mm, नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ इन mm, और टोटल कटिंग लेंथ इन मीटर। उसके बाद से वेट अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट वाइज ऑफ डाया, यहाँ पे 8 mm से लेकर के 32 mm तक डाया का ये यूनिट वेट वाइज वेट लिखा गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधा बार मार्क नंबर 1, जो वर्टिकल आउटर फेस का है बार मार्क, इसका ये हाइट 1301 का है, टॉप में 80 mm का है, ये इसका जो ये इंक्लाइंड है 926 mm का है, और बॉटम का ये एल 300 mm का है। ये डाइमेंशंस कैसे आया ये सभी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। डाया ऑफ बार है इसमें 16 mm का है, 150 का स्पेसिंग से 1 मीटर में 14 नंबर लगेगा, फार्मूला सेट किया गया है 1 मीटर का। और ये 14 नंबर कहाँ से आया, दोनों साइड का है, ये एक साइड में 7 नंबर लगेगा, दूसरे साइड में 7 नंबर लगेगा। सभी को हम जब ऐड करेंगे तो इसका जो कटिंग लेंथ आएगा 2511 mm आएगा। उसी तरह से क्रैश बैरियर जो बार मार्क नंबर 2 है, वर्टिकल इनर फेस का है, इसमें जो इंक्लाइंड एल है 400 mm का है, ये स्ट्रेट में 327 mm का है, और ये बॉटम का एल 300 mm का है। इसका भी सेम है एज पर ड्राइंग के अनुसार, 16 का डाया, 150 का स्पेसिंग, ये भी 14 नंबर आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड का रिइंफोर्समेंट है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार ये आउटर फेस का है, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये इनर फेस का है। ये 1 मीटर का डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्यों है, क्योंकि हमने 1 मीटर का ही लेंथ लिया हुआ है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ हो जाएगा 900 mm हो जाएगा, दोनों साइड 50-50 mm कवर हमने लिया है, क्लियर कवर 50 mm, 10 का डाया है एज पर ड्राइंग के अनुसार, और ये 8 × 2, 8 एक साइड में लग रहा है और 8 दूसरे साइड में, इसीलिए 2 से किया गया है। जब हम इसका टोटल वेट देखेंगे 1 मीटर के लेंथ में क्रैश बैरियर का, जिसका हाइट 1100 mm का, 95.32 kg पर मीटर में इसका स्टील का वेट आएगा। अब इसका जो डायमेंशन हमने लिखा है, कहाँ से लिखा है और कैसे लिखा है, मैं आपको ऑटो कैड दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों हमारा ऑटो कैड फाइल बनाया हुआ है मैंने, जिसमें बीसी टॉप से क्रैश बेजर का जो हाइट है 1100 mm का है। यहाँ पे ये जो थिकनेस है स्लैब का, हमने
250 mm पकड़ा हुआ है, क्योंकि ड्राइंग में भी ये 250 mm दिया हुआ है। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 250 दिया हुआ है। बॉटम का जो विथ है ये है 450 mm का, एज पर ड्राइंग के अनुसार उसी हिसाब से इसको ड्रॉ किया गया है ये। अब मैं आपको इसके टॉप में दिखा रहा हूँ, टॉप में 175 mm का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कास्टिंग फेस ये है 175 mm। इसका रेनफोर्समेंट का शेड्यूल निकालने के लिए हमने क्या किया है, 50 mm और 50 mm दोनों साइड से क्लियर कवर का ऑफसेट दे दिया है। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है रेनफोर्समेंट, और ये जो वाइट कलर का ये दिख रहा है ये है कास्टिंग फेस ऑफ द क्रैश बैरियर, जबकि ये है रेनफोर्समेंट। अब इजिली इससे रेनफोर्समेंट एग्जैक्ट एज पर जो ड्राइंग के अनुसार कितना है वो मालूम चल जाएगा। यहाँ पे 1301 mm हमने लिखा है, कैसे लिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। जो वर्टिकल आउटर साइड में जो ये इंक्लाइंड लेंथ है क्रैश बैरियर का, ये 1301 mm है, इसीलिए हमने 1301 लिखा है। उसके बाद से ये जो लेंथ है आपको मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ तक ये जो लेंथ है आप देख सकते हैं 926 mm है, इसीलिए हमने BBS में ये जो लेंथ है 926 लिखा है और इस लेंथ को हमने 1301 mm लिखा है। टॉप में मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप का, इसके टॉप में आप देख सकते हैं कास्टिंग फेस 175 mm का है और इसका जो रिइंफोर्समेंट होगा यहाँ से यहाँ तक ये 80 mm आ रहा है, इसके टॉप में 80 mm। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये जो येलो कलर का मार्किंग है यह है डेक स्लैब का टॉप मेन बार और यह है डेक स्लैब का बॉटम मेन बार, और उसी के साथ ये क्रैश बैरियर का जो ये एल है आएगा, 300 mm इधर से आएगा, 300 mm इस साइड से आएगा। उसके बाद से आप इसमें देख सकते हैं ये 50 mm का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बियरिंग कोर्स है 50 mm का है। 50 mm के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 100 है एज़ पर ड्राइंग के अनुसार, ये 250 है और ये 750 है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग ऑफ क्रैश बैरियर का बनाया गया है ऑटोकैड विथ BBS एंड ड्राइंग के अनुसार। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको देखने को मिल सके।